नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ पूरन उपाध्याय। आजकल कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी, मैं कई डिबेट में और टीवी शोज में और न्यूज़ वगैरह में सुनता हूँ कि भाई शिरडी के साईं बाबा जी हिंदू या मुसलमान हैं। इसी उस पर मेरे भी कुछ उत्सुकता हुई जानने की कि भाई आखिर ये माजरा क्या है, कुछ लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। मैं तो खुद साईं जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, अब वो क्या थे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो हमने उनके बारे में सुना है और पढ़ा है, फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, अब वो किसी के थे, वो मस्जिद में रहते थे सुना है, और उनकी वेशभूषा कुछ दूसरी थी, लेकिन एक सिद्ध पुरुष थे, संत थे, और लोग वहाँ जाते थे, उनसे मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। वो चाहे किसी भी धर्म के हों तो लोग उस टाइम उनका आदर करते थे। उन्होंने तो जन्म भर कष्ट ही देखे, उनकी वेशभूषा से, रहन सहन से ऐसा ही प्रतीत होता है। अब वो चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हों वो एक दूसरा मैटर है, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन कष्ट सहा और कष्ट में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे होंगे ऐसा हमें लगता है। लेकिन जो अभी ये है कि भाई वो कौन से धर्म के थे क्या नहीं थे, वो एक अलग मैटर है। उन्होंने सारा जीवन अपना त्याग दिया था उस चीज़ में, इसीलिए हम उनके वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, और करने भी चाहिए। और जहाँ तक मंदिर मस्जिद का सवाल है तो उसके ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि भाई अभी जो है उन्होंने तो कष्टों में ही जीवन झेला है, लेकिन जो है अभी जो है जो इस टाइम उनको इतना चढ़ावा चढ़ रहा है, दान हो रहा है, दक्षिणा हो रही है, लोग जो है इतने नोट वहाँ चढ़ा रहे हैं उनके किस कहीं के भी मंदिर में या मस्जिद में किसी भी धर्म में, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। उन्होंने हमेशा कष्ट झेला, परेशानी झेली, दुख झेले, और जो कि जीवन से पता लगता है, लेकिन जो है अभी मौज कौन ले रहे हैं, मौज वही ले रहे हैं जो अभी उनके ट्रस्ट चला रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं या मस्जिद चला रहे हैं या उनके नाम पर और जो चीज़ चल रही है वो मौज ले रहे हैं। वहाँ ट्रस्ट में जो है लोग सोना का सोना चढ़ा देते हैं, चांदी चढ़ा रहे हैं, छत्र चढ़ा रहे हैं, नोट चढ़ा रहे हैं, तो और भी कई तरीके चीज़ें से पैसे चढ़ रहे हैं। साईं जी को तो नहीं पता, उस टाइम तो उनको कुछ नहीं चढ़ाया गया और वो जैसे तैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया, तो अभी उनके नाम पर ये लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं ये पैसे ले रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ईश्वर तो सबके अंदर है, तो पैसे चढ़ाने से भगवान को हम प्रसन्न नहीं करते, भगवान से तो हम मांगते हैं, तो उसमें ये नहीं कि भगवान जो है सोने के छत्रों से प्रसन्न होगा और ज़्यादा पैसों से प्रसन्न होगा, लाखों रुपये डोनेट करने से प्रसन्न होगा, ऐसा नहीं है। भगवान तो दो चार रुपये से, सवा रुपये से और 101 रुपये से भी प्रसन्न हो जाता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा पैसा ना चढ़ाएं। उसके बजाय जैसे साईं जी सेवा करते थे गरीबों की, जो समाज से सताए हुए लोग थे, तो उस टाइप के जो गरीब हैं, दुखियारे हैं, उनको भोजन करा के, उनके कपड़े दे के, उनके घर बना के, तो इस तरह से सेवा की जाए अपाहिजों की, निर्धनों की, बुज़ुर्गों की, तो इन लोगों की सेवा की जाए, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि इन जो है मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में इतना पैसा देने के बजाय, किसी भी धर्म के हो। साईं जी का तो मैं एक नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो आजकल काफ़ी चल रहा है, लेकिन और जगह पे भी लोग काफ़ी चंदा चढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो उतना ठीक नहीं है। और दूसरा, अभी जो है ये हमारे जो नए धर्म के ठेकेदार हैं, जो आजकल के बाबा हैं, बाइक वाले बाबा और चटनी वाले बाबा, इस टाइप के बाबा जो लोग इनसे संपर्क में हैं, वहाँ पैसे चढ़ा रहे हैं और जो है वो उनके दुख दूर करते हैं, ये तो एक मन का भ्रम है, हैं सब लोग इसी जंजाल में फंसे हुए हैं। तो बाबा और संत का तो मतलब यही है, जो साईं जी, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध जी और जो है और भी जो पुराने ऋषि मुनि हैं जिन्होंने त्याग दिया था सब कुछ, उन्होंने पैसे के लिए ही नहीं करा, उन्होंने पैसा होने के बावजूद भी ये सब कुछ त्यागा है, तो वही संत है। तो ये जो अभी के जो नए संत हैं
ये त्याग नहीं रहे हैं, ये तो सब पैसा मांग रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि तुम लाओ, ऐसे डोनेट करो, फलाना है, ट्रस्ट है, ये है, वो है। तो वो हैं वो बाबा और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नए, जो मैनेजर, कैशियर वगैरह जो डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं, उनका घर चल रहा है, उनकी लाखों की संपत्ति है। तो दुनिया इस भ्रम में जी रही कि शायद ये डायरेक्ट भगवान के पास जा रहे हैं या आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस टाइप का वो सही नहीं है। संत जो थे, पुराने जो लोग थे जिन्होंने त्याग किया है अपना, वो वही लोग सही हैं। और अभी के जो हैं ये सिर्फ पैसे बनाने वाले हैं, तो इन लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो अभी जो धर्म के नए ठेकेदार हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई हम ही बनाएंगे, हम ही ये करेंगे, उन लोगों के संपर्क में कम रहें, वही मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। हमें यह समझना कि ईश्वर तो हम सबके अंदर ही है, कहीं हमें बाहर ढूंढने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जो ये समझ गया कि ईश्वर मेरे ही अंदर है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, परमात्मा के अंदर ही आत्मा है, तो हर आदमी अपने आप में संपन्न है, स्वर्ण है। अच्छी बातें हर किसी को आती हैं, लेकिन जहाँ पर पैसे का सवाल है, यहाँ पर सब लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। चाहे वो साईं जी उस टाइम चले गए, लेकिन अभी जो है उनके अनुयायी पैसा कमा रहे हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बनाए हैं और क्या है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि भाई जो है हम सेवा करें, निश्चल करें। उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा काम करें, और जो है जो लोग डोनेट करने वाले हैं, आगे इधर उधर जाने वाले हैं, उन लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई वो इन लोगों से ज़रा बच के रहें, अपना ध्यान दें। अंत में मैं सिर्फ इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा, और अगर किसी को मेरी बात से ठेस लगी हो तो मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा। लेकिन मैं स्वामी साईं जी का भी भक्त हूं और बाकी सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, इसलिए इस बात को कोई बुरा ना ले। ये मेरे एक निजी विचार हैं, और हो सकता है वो गलत भी हों, किसी को अच्छे भी ना लगे हों, तो प्लीज़ हमें उसके लिए क्षमा करें। और जो है लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। जय साईं राम।